यह आता है, यह नदी आती है, यह नदी है ब्रह्मपुत्र, या किसे यहाँ पर धीहाम भी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र या धीहाम, यह भारत में इंटर कर गया। यहीं पर जो गॉर्ज है उसका नाम है धीहाम या ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। यहीं पर हमने कहा था सिंधु गॉर्ज से लेके ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज को ही धीहाम, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की नदी का नाम धीहाम, धीहाम गॉर्ज तक, यहाँ तक, यहाँ से इधर ही हिमालय की बात करी जाए कही जाती है। जैसे धीहाम गॉर्ज को क्रॉस करते हैं, धीहाम गॉर्ज से पूरब में जाते हैं, वैसे ही हिमालय, मुख्य हिमालय नोक करके पूर्वांचल की श्रेणियां शुरू हो जाती है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं हम धीहाम गॉर्ज के दक्षिण जैसे ही बढ़ता जाता है, वैसे ही हिमालय में सात टर्न आता है। यहाँ पर एक हेयरपिन, यहाँ पर जो मोड़ है, इस हेयरपिन मोड़ को हमने इसी ओर, हेयरपिन यहाँ पर मोड़ था, मोड़ से दक्षिण की ओर बढ़ने पर अचानक मुड़ जाता है हिमालय। यहाँ पर हमने कहा था यह डाफड़ा था, यह थोड़ी सी मिसमी थी, यह अबोर था, ठीक है, मिड़ी यानी बोर, मिसमी रेंज यहाँ पर है, यहाँ पर यह मिसमी रेंज, मिसमी, ठीक है, मिसमी से बड़ा रेंज है पटकोई, पटकोई रेंज, पटकोई के बाद है नागा, नागा की पहाड़ी, फिर उसके बाद यहीं पर नागा की पहाड़ी के बाद मणिपुर की पहाड़ियाँ और लुसाई या मिजो, यहीं से एक निकल करके रेंज आता है, यहीं से एक निकल करके रेंज आता है जो यहाँ तक आ गया है, यह है बरेल रेंज। इसके बाद यहाँ भी कुछ छिटपुट रेंजेज हैं, त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी कुछ छिटपुट रेंजेज हैं जो दक्षिण की ओर, यह जो मैदान है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र गंगा का मैदान यहाँ पर जो बन रहा है बांग्लादेश में, उसी की ओर हाल चल गया। इन रेंजेज को हम कहते हैं पूर्वांचल की श्रेणी। ये जो रेंजेज आप देख रहे हैं ये पूर्वांचल की श्रेणियाँ, यह जो गारो खासी जयंतिया यहाँ पर और मिकिर तक, मिकिर की पहाड़ियाँ हैं, वह पठार है, यानी कोई भी पठार का भाग है, लेकिन यह जो श्रेणियाँ हैं यहाँ से लेकर के ये तृतीयक ताली है, इसको कहते हैं हम, ये पूरा स्ट्रक्चर पूर्वांचल की श्रेणियाँ है, पूर्वांचल की श्रेणियाँ। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कहा जाता है जो वही हिमालय का ही विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है, हिमालय की तुलना में हम यदि देखें तो यह निम्न श्रेणियां है, जिस तरह हिमालय की ऊंचाई है उस तरह इसकी ऊंचाई नहीं है, इसकी ऊंचाई मैक्सिमम ऊंचाई 4500 तक गया है, सबसे ऊंची चोटी जो है करीब 4500 की, दीखा सबसे ऊंची चोटी है जो 4500 है, इसका मतलब यह मुख्य हिमालय से कम ऊंचाई वाली श्रेणियां, मुख्य हिमालय से कम ऊंचाई वाली ये श्रेणियां जो मोटा मोटी उत्तर से दक्षिण की ओर, रफली कहे तो उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्रिसेंटिक शेप में, अर्धचंद्राकार आकृति में, अर्धचंद्राकार आकृति क्रिसेंटिक शेप में है, जिसका कॉन्वेक्स यानी उत्तल वाला मोर पश्चिम की ओर है, यानी ये जो श्रेणियां हैं यह मोटा मोटी इस तरह से, इस तरह से जो हल्का जो देख रहे हैं यह कॉन्वेक्स शेप, ये कॉन्वेक्स शेप टुवर्ड दिस वेस्ट है,